अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू पारे लाइफ। जी उम्मीद है आप ठीक होंगे और आपकी ईद भी अच्छी गुजरी होगी। कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि कैसी गुजरी है आपकी ये ईद। जी तो आज मैं जो चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो उन लड़कियों के लिए है जिन लड़कियों की स्किन पार्लर वालों की वजह से ख़राब कर दी है ईद उनकी सारी की सारी। जी क्योंकि आपको पता है कि हम सब लोग अक्सर ईद पे वैक्सिंग भी करते हैं और ब्लीच भी करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर हमारी स्किन पे रैश आ जाते हैं, स्किन बर्न हो जाती है और या फिर स्किन पे एक्नी हो जाती है। जी तो इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। जी व्यूवर्स, तो बेसिकली ये एक टोनर है जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपकी स्किन 2 दिन में ही ऐसी रिपेयर हो जाएगी कि आपको खुद भी फील नहीं होगा कि ये यहाँ से बर्न हुई थी। चलिए तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो इसके लिए हमने लेनी है एक स्प्रे बॉटल, ठीक है। सबसे पहले इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है सबसे पहले 1 एप्पल साइडर विनेगर। ये आपके ओपन पोर्स को श्रिंक करेगा और आपकी स्किन से एक्नी को रिमूव करेगा। जी ये देखिए 1 टेबल स्पून ही आपने लेना है। जी इसको हमने ऐड करना है। अब ये देखिए इसकी क्वांटिटी इसलिए भी कम ले रहे हैं क्योंकि इसकी स्मेल आपको पता है बहुत ही स्ट्रांग होती है और इसको हमेशा डाइल्यूट करके ही यूज़ किया जाता है। 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल, ये देखिए आप फ्रेश भी ले सकते हैं, मार्केट से भी ख़रीदा हुआ जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसको इसमें ऐड किया 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनीगर है और 2 टेबल स्पून हमारा एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल में एंटी इन्फ्लामेंट्री प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत जल्द हील करती हैं। ये देखिए इसको ऐड करके इसके बाद हमने लेना है इसमें 10 ड्रॉप्स हम इसमें ऐड करेंगे अपने कोकोनट ऑयल के। ये देखिए ये कोकोनट ऑयल है, ये मेरा होम मेड है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए जो आपको आसानी से आप घर में तैयार कर सके तो आप मुझे कमर्स करके बताइए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और सॉफ्ट भी रखेगा। इसके बाद जाएगा इसमें टी ट्री ऑयल के। ये देखिए टी ट्री ऑयल है, इसके 10 से 12 ड्रॉप्स आपने ऐड करने हैं। ये एंटी फंगल है और एंटीवायरल है जो कि स्किन को क्लियर करता है। इसके हमने 12 ड्रॉप्स लेने हैं। ये ज़रा मुश्किल से निकलता है। ट्वेल्व हो गया जी, ये हो गया 12 ड्रॉप्स, ठीक है। ये देखिए ये हमारा इतना सा टोनर बना है। ये आपने पहले आपने इसको बॉटल में देख लेना है, ठीक है। इतना सा टोनर बना है, इसको ऐसे अच्छे से करेंगे मिक्स, यू ठीक है, शेक करके ऐसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसमें 2 पार्ट्स आपने सादा सिंपल वाटर ले ऐड करना है, यानी कि 2 हिस्से आपने इसमें पानी के ऐड करने हैं। पानी से क्या होगा, इस पानी हमारी स्किन को क्या करेगा, डिहाइड्रेट करेगा। 2 हिस्से अब मैं इसमें पानी ऐड करने वाली हूँ, ठीक है। ये देखिए ये हो गया ऐड 2 हिस्से इसमें पानी के। पानी हमारी स्किन को क्या करेगा, हाइड्रेट कर देगा और इसमें जो हमने शामिल किया है एप्पल साइडर विनेगर और टी ट्री ऑयल इनको डाइल्यूट कर देगा। आप इसको तैयार करने के बाद आपने इसको रखना है फ्रिज में। फ्रिज में रखने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो आपने इसको अपने फेस पे स्प्रे करना है हर 1 घंटे के बाद, या फिर जब भी आपको याद आए आपने इसको इसका स्प्रे जो है अपने फेस पे कर लेना है। इससे 1 या 2 दिन के इस्तेमाल से ही आपकी स्किन जहाँ से बर्न हुई है वहाँ से पील होकर खुद ब खुद ही उतर जाएगी।
आपको आप इसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा और आपकी एक्नी को दूर करेगा, क्योंकि अक्सर समर्स में हमारे चेहरे पे दाने भी आ जाते हैं, गर्मी दाने छोटे छोटे आ जाते हैं, और इसके अलावा एक्नी भी बढ़ जाती है, एक्नी को भी ये रिमूव कर देगा जी। तो उम्मीद है कि आपको आज की रेमेडी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।